नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अंबेडकर नगर कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को समाजवादी पार्टी आलापुर सुरक्षित विधानसभा के पूर्व विधायक भीम प्रसाद सोनकर के नेतृत्व में सपा नेत्री सुनीता सोनकर के संचालन में सैकड़ों लोगों ने वसुधा सिंह स्मारक से राजे सुल्तानपुर बाजार होते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर कैंडल मार्च का समापन किया। पूर्व विधायक भीम प्रसाद सोनकर ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर में शहीद हुए सीओ और इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस कर्मियों की शहादत उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का सूचक है। प्रदेश की जनता भय और दहशत में जीवन यापन कर रही है। ऐसे में राज्यपाल महोदय को प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा नंद किशोरी यादव, शकुंतला सोनकर, पुष्पा सोनकर, नीलम सोनकर, मंजू सोनकर, चंपा सोनकर, तारा सोनकर, किरण सोनकर, विनोद प्रजापति, आशु सिंह सोनकर, गोलू सोनकर, आयान सोनकर, अच्छे लाल यादव, दीपक सिंह, राजेश खन्ना, रमेश मदेशिया, विशाल सोनकर, आकाश प्रजापति, राजेश सोनकर, संजय सोनकर, कमला सोनकर, शशिकांत वर्मा, सचिन प्रजापति, सूरज शर्मा, सागर शर्मा, विवेक रावत, श्री विजय निषाद, सोनू सोनकर, दीप चंद्र निषाद, सुनील सोनकर, अभिषेक विश्वकर्मा, राजेश कनौजिया, अमित सोनकर, चंद्रिका कांदू, सूरज कांदू, दिवाकर सोनकर, सत्यम चौरसिया, नसीम अहमद, शंभू सिंह आदि मौजूद थे। खबर जगत के लिए अंबेडकर नगर से ब्रिजेश।